हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। तो अब देखते हैं उस पर्सन के बारे में जिसको आप कन्विंस कर रहे हैं रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन को लेकर के लॉन्ग टाइम पीरियड से, बट वो नहीं मान रहे हैं। हो सकता है आपके कांटेक्ट में हैं या फिर आउट ऑफ कांटेक्ट हैं। दोनों ही सिचुएशन में, यहाँ बताई हुई सिचुएशंस अगर आपको लगता है उनकी हैं, तो फिर इस रीडिंग के थ्रू जान सकेंगे कि उनकी एनर्जीज कैसी हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन या रीयूनियन को लेकर। तो आप अपने पर्सन पर कंसंट्रेट करें, थिंक ऑफ देम, उन्हें विजुलाइज करें, उनका नाम लें। देखते हैं जहाँ भी हैं क्या चल रहा है इनके अराउंड, और आपको लेकर के क्या एक्चुअली सोचते भी हैं, क्या इनके माइंड में है ऐसा कि आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन या रीयूनियन चाहते हैं। आप उनका नाम लें डीप इनसाइड। सिचुएशंस अगर आपको लगता है उन्हीं की हैं, तभी इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस काम में लीजिए। सेवन ऑफ कॉइन्स है बॉटम ऑफ द डेक में, तो प्लान तो कर रहे हैं और ये प्लान बहुत प्रैक्टिकल प्लान है। ये किसी तरह का इमेजिनेशन नहीं है। 3D लेवल पर कुछ प्लानिंग चल रही है आपके पर्सन की। जस्टिस, बैलेंस बनाना चाहते हैं, ऐसा प्लान है। टू ऑफ वंड्स, आपसे जो दूरियां हैं, दिस इज एन ऑब्स्टेकल फॉर योर पर्सन। ये चाहते हैं आपको अपने साथ देखना, बट जो आपसे दूरियां हैं, दिस इज़ एन ऑब्स्टेकल फॉर दिस पर्सन। और जस्टिस करंट स्टेट है इस पर्सन का। द एम्परर, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, मैच्योर हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। रीसेंट पास्ट है द एम्परर, जो बताता है कि अब ये पर्सन एक्सपीरियंस्ड ज़्यादा हो गए हैं, इमोशनल कम बचे हैं, और अपनी लाइफ को रैशनल वे में प्लान करने के लिए प्लान कर रहे हैं एक्चुअली। द डेविल है यहाँ पर, इमीडिएट फ्यूचर है इस पर्सन का। लेट्स सी थिंकिंग क्या है। द एम्प्रेस, कॉन्ग्रेचुलेशन। द एम्परर एंड द एम्प्रेस, साथ साथ यहाँ द लवर्स है। सो इस पर्सन की थिंकिंग है आपको लेकर के द एम्प्रेस। इट मीन्स आपके साथ फैमिली अपना ओरिएंट करना चाहते हैं दिस वे। और प्रैक्टिकल बिहेवियर में द लवर्स है, डेविल यहाँ पर है, द लवर्स ऊपर है। इट मीन्स यूनिवर्सली इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके चलते ये अपने सॉलमेट या जिनके साथ खास कनेक्शन है उसकी इम्पोर्टेंस को जान पा रहे हैं। बट यहाँ द डेविल है, तो इट मीन्स देर इज समथिंग हिडन, कुछ छुपा हुआ है। द वर्ल्ड, टेन ऑफ वंड्स, यस, जो छुपा हुआ है दैट इज ऑल अ कार्मिक साइकिल, एक कार्मिक साइकिल छुपा हुआ है। साथ साथ ये पर्सन अगर किसी अदर पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, द डेविल, द वर्ल्ड, इट मीन्स एक कार्मिक रिलेशनशिप इस पर्सन का है। द टार, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, यस, एक्चुअली ये पर्सन किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और उस रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए, नाइट ऑफ वेंट्स, बाहर आने के लिए प्लान भी कर रहे हैं। सेवन ऑफ क्वींस, यहाँ टू टाइप्स की लव लाइफ दिखाई दे रही है इस पर्सन की। एक तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में इस वक्त हैं, साथ साथ बहुत मैच्योर हो चुके हैं, आपसे अगर सेपरेशन में हैं, लॉन्ग टाइम नौसी वाला केस है तो। एंड प्रैक्टिकली इस पर्सन की लाइफ में द लवर्स होने का मीनिंग है, इस पर्सन को इंट्यूशंस तो रिसीव हो रहे हैं, बट यहाँ पर द एम्प्रेस है साथ साथ। इट मीन्स थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। एंड ये पर्सन किसी लेडी फिगर के द्वारा, स्पेशली मदर फिगर या सिस्टर फिगर, उनसे डोमिनेटेड हैं, उनके कहे पर चल रहे हैं।
आपको लेकर के प्लान है, आपके पर्सन का आपको लेकर प्लान है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है ये परमानेंट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट योर पर्सन इज प्लानिंग। तो लेट्स सी, यहाँ एक बार देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ प्लानिंग इज दिस, किस तरह की प्लानिंग ये चल रही है। देखिए, रीडिंग को देखते हुए यही लग रहा है दिस पर्सन इज इन टॉक्सिक रिलेशनशिप और इससे बाहर आना चाहते हैं। आपके साथ कुछ बड़ा डिस्टरबेंस इस पर्सन ने ऑलरेडी फेस किया है, जिस वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आ चुकी हैं, और आपकी वजह से इस पर्सन की लाइफ में भी कुछ नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं। तो अब देखते हैं इस पर्सन का प्लान क्या है। सेवन ऑफ कॉइन्स बताता है दिस पर्सन इज प्लानिंग अबाउट यू। आप कंसंट्रेट करें अपने पर्सन पर। लेट्स सी सेवन ऑफ कॉइन्स क्या बताना चाहता है, किस तरह का प्लान है आपके पर्सन का। यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ट्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है दिस पर्सन वॉन्ट्स टू जंप आउट ऑफ करंट रिलेशनशिप, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। पर्सन आपके बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, एक्टिव हैं, सोशल हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो लेट्स सी किस तरह का प्लान है आपके पर्सन का। द गार्डन एंड द गेट, द थिंकिंग मैन, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैबियल। द गार्डन एंड द गेट में जिस तरह से दिस गर्ल इज स्टैंडिंग एट द गेट, तो ये पर्सन भी अपनी लाइफ में अब चाहते हैं कि हैप्पीनेस आ जाए, बिकॉज एट प्रेजेंट जो रिलेशनशिप है ये टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा बर्डन इसमें है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, आपसे दूरियाँ बहुत हो गई हैं। द गार्डन एंड द गेट बताते हैं ये पर्सन प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ में खुशियों को लाने का। 30 नंबर है, ये 3 नंबर है जो कि इस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में भी है। इट्स लाइक फैमिली को लेकर के कुछ प्लान है, फैमिली अपना अच्छा बनाना चाहते हैं। द थिंकिंग मैन सोच रहे हैं इस बारे में। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल हैं, यहाँ पर आर्कएंजल हैं ये, आपको अपनी विशेज के अकॉर्डिंग जीने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो दिस पर्सन इज गेटिंग इंस्पायर्ड और उसके लिए प्लान भी कर रहे हैं। लेट्स सी क्या सर्कमस्टेंसेस इस पर्सन की लाइफ में ऐसी हो पाएंगी। विल दिस पर्सन अप्रोच यू। लेट्स क्वालिफाई फाइनली व्हाट्स गोइंग टू हैपन। नाइट ऑफ वेंट्स जो आए हैं, व्हाट डज दैट मीन। नाइट ऑफ वेंट्स का मीनिंग है ये पर्सन फिर से एक रीस्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ को। अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, आप श्योर हैं, तो फिर द चैरियट आया है क्वालिफिकेशन में विद 10 ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है ऑलरेडी वेल सेटल्ड ही दिखाई दे रहे हैं, अच्छी खासी एक फैमिली है। द चैरियट है मूवमेंट का कार्ड है, रिवॉर्ड्स दैट कम फ्रॉम हार्डवर्क, बहुत हार्डवर्क किया है, मैच्योर हो चुके हैं ये, सक्सेसफुली बैलेंसिंग मैनी प्रायोरिटीज एट वंस, और इस वक्त बहुत कुछ एक साथ मैनेज कर रहे हैं। सेवन ऑफ कॉइन से पता लगता है डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, पब्लिक रिकॉग्निशन। तो पर्सन तो आपके बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जो प्लान है फाइनल दैट इज द चैरियट, इट मीन्स द लवर्स द डेविल। दो रिलेशनशिप में से एक को चूज करना है और ऑलरेडी इस वक्त किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो फिर आपके साथ ही ये मूवमेंट है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग आया है यहाँ पर। कैप्रिकॉन एरीज भी उतने ही प्रोमिनेंट हैं। नेम इनिशियल्स आपके पर्सन के BKRCGLS FPDMT हो सकते हैं, OZP।
लेट्स आस्क एंजल्स, एंजल्स से पूछते हैं विल दिस पर्सन रियली कम बैक टू योर लाइफ, क्या ये फिर से आएंगे आपके जीवन में? यस का आंसर आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, रिमेन पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहें, यस का आंसर आया है, तो ये एटलीस्ट रिकॉन्सिलिएशन तो आपसे करेंगे ही करेंगे। ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर।